श्रीराम जन्मोत्सव समिति युवा विंग की अध्यक्ष मनीष पांडे सेक्टर 4 में जहां टंकी गिरी थी वहां की यथास्थिति से अवगत हुए। उन्होंने दौरे के दौरान पानी के लिए किए गए वैकल्पिक व्यवस्था को देखा और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को दूर करने कहा। साथ ही सेक्टर 2 में तेजी से मिल रहे डेंगू के मरीजों पर चिंता जताई एवं उनके उपयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह भी शासन प्रशासन से किया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और बहुत वर्षों से लोगों का यहाँ कंप्लेन था कि टंकी जर्जर हो चुकी है। उसके बाद भी शासन का, प्रशासन का और बीएसपी प्रबंधन का कोई इस तरफ ध्यान नहीं गया। ये सबसे इसमें अहम बात ये रही कि किसी के जान माल की कोई त्रासदी नहीं हुई और पर लोगों को अभी हम लोग पूरे जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हैं, सभी लोग घरों तक जा रहे हैं, स्ट्रीट तक जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बीएसपी प्रबंधन और सभी लोग इसमें जुटकर पानी टंकी के माध्यम से टैंकर सभी स्ट्रीटों में घूम रहा है। और हमने सीओ से ये मांग की है भिलाई स्टील प्लांट के कि दो वक्त का पानी मिले और तात्कालिक लोहे वाला जो टंकी है वो यहाँ पर हो चुका है टंकी, वहाँ पर भी आप व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कराएं, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए, ये तो एक लापरवाही है कि अभी 100 से ज़्यादा यहाँ पे केसेस हो चुके हैं और उसके बाद भी निगम प्रशासन या प्रशासन अभी तक जगह नहीं है। प्रत्येक व्यक्तियों को 40 से 50 हज़ार रुपये लग रहे हैं। मैं ये मांग करता हूँ कि यहाँ के सभी अस्पताल फ्री किए जाएँ, गरीबों के लिए अस्पताल फ्री हों और उस माध्यम से इलाज हों।